بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تجلى للقلوب العظمى واحتجب عن الأبصار بالعزى ثم اقتدر على الأشياء بالقدرة ذا الملك والملكوت وذا العزة والجبروت والصلاة والسلام على الأفضل العدد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صلوا اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزائي المحترم برادران اور فاہران بچے یوتھس اس خمسہ اربعین کی یہ تیسری مجلس ہے قرآن دعا اور تقدیر انسانی دو مجلسیں میں نے اس موضوع پر کلام کیا اور پہلی مجلس میں نے ڈیڈیکیٹ کی تھی علوم و سیرت و فضائل سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام مگر پہلی مجلس سے میں امام کا وہ خطبہ مسلسل کوٹ کر رہا ہوں اور اس کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ جو امام نے دربار یزید میں دیا تھا اور اس خطبے کی جو ایک خاص بات ہے کہ جن چیزوں کا میں نے استنباط کیا اس میں یہ کہ امام نے حمد الہی کے روپ میں درود پڑھ دے محمد والے محمد امام علیہ السلام نے حمد الہی کے روپ میں اس کے درپردہ یزید کو موعظہ بھی کیا اور یزید کو مسلسل عبرت بھی دلائی. بظاہر وہ حمد خدا تھی. درود پڑھ دے محمد والے محمد. اس خطبے کو میں آج کی مجلس میں بھی کنٹینیو کروں گا اور اپنے موضوع کو بھی میں آگے بڑھاؤں گا. آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے رسول جب میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں کہ وہ کہاں ہے اور کدھر ہے فإنی قریب میرے بندوں کو بتا دے کہ میں ان کے قریب ہوں. جتنا میرے بندے تصور نہیں کر سکتے قربت کا اس سے زیادہ قریب ہوں. اجیبو دعوت داعی اذا دعانی اور جب دعا کا مانگنے والا دعا مانگتا ہے مجھ کو پکارتا ہے میں اس کی دعاؤں پر لبیک کہتا ہوں.
मैं उसकी दुआ पर इस्तिजाबत करता हूँ। फल यस्तजी भूली, मेरे बंदों को चाहिए कि मेरे तकाजों को, मेरी डिमांड्स को पूरा करें। मैंने जो उन पर अहकाम आयद किए उनको पूरा करें। वल यूमिनू भी, और मेरे वादों पर यकीन रखें। लअल्लहुम यरशुदून, ताकि वो अपनी मुरादों को पाले, ताकि वो अपनी मुरादों को पाने। बज़ाहिर ये लफ्ज़ है यरशुदून, हिदायत की मंजिल तक पहुंच जाएं, मगर इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में तर्जुमा मानवीय बनेगा। यरशुदून मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएं, मुरादों तक पहुंच जाएं। ये सूरह बकरा की आयत है, और इसी आयत की रोशनी में ये तीसरी तकरीर है कि जो मैं अर्ज कर रहा हूँ। तीसरी या चौथी है? तीसरी है। ठीक है, दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बार दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीजाने गिरामी, इस आयत की रोशनी में दुआ, जैसा कि अर्ज किया गया, सलाहुल अंबिया अंबिया का भी हथियार है, सलाहुल मोमिन मोमिन का भी हथियार। मैंने अर्ज किया कि अगर हथियार मोमिन के पास है तो किसी को ऑफेंस नहीं करेगा, अंबिया के पास है तो दुआ अंबिया की दुश्मनों की भी हिफाजत करेगी। यह है हथियार के माने दुआओं के। और रिसर्च ने यह कहा, तहकीक ने यह कहा कि इंसान जी सकता है, जिंदा रह सकता है पानी के बगैर, गिजा के बगैर 40 दिन। इंसान जिंदा रह सकता है गिजा के बगैर 40 दिन, पानी के बगैर सरवाइव कर सकता है 3 दिन, और हवा के बगैर, ऑक्सीजन के बगैर इंसान जिंदा रह सकता है सिर्फ 8 मिनट्स, 8 मिनट। गिजा के बगैर 40 दिन, पानी के बगैर 3 दिन, गिजा हवा के बगैर 8 मिनट, मगर उम्मीद के बगैर, होप के बगैर इंसान एक लम्हे के लिए ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। या तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, या इंसान सुइसाइड कर जाएगा, या हार्ट अटैक हो जाएगा, या इंसान तबाह हो जाएगा। इंसान एक लम्हे के लिए जिंदा नहीं रह सकता उम्मीद के बगैर, जबकि गिजा के बगैर 40 दिन जिंदा रह सकता है, पानी के बगैर 3 दिन जिंदा रह सकता है, ऑक्सीजन और हवा के बगैर 8 मिनट तक जिंदा रह सकता है, मगर उम्मीद के बगैर एक लम्हे से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। दुआओं का मांगना अपनी उम्मीदों को बांधे रखने का नाम है। अब आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि दुआ इंसान की जिंदगी में उसकी ग़िज़ा से बढ़कर, उसके पानी से बढ़कर, उसकी हवा से बढ़कर दुआ करार पाई। तो अजीजाने गिरामी, यह है दुआओं की वाइटैलिटी और दुआओं की फंडामेंटलिटी और दुआ की अहमियत इस्लाम के कल्चर में भी और कुरान के बयान में भी। मैंने अर्ज किया था कि कुरान में जा बजा अंबिया की दुआओं का जिक्र है, और मैंने कल एक दुआ कुरानी कोट की थी, हजरत खत्मी मर्तबत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुश्तबा। आज एक दुआ कोट करना चाहता हूं कुरान से, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम इस्माइल, उस वक्त को याद करो कि न सिर्फ इब्राहिम बल्कि उनका फर्जंद इस्माइल दोनों मिलकर हमारे घर की दीवारों को बुलंद कर रहे थे। अभी ये पढ़ रहे थे काबे के हवाले से, एक नुक्ता मेरे जहन में आया था, और आप सबकी जहन में ये सवाल होगा कि अल्लाह ने इस मकाम पर क्यों काबा बनाया, किसी और मकाम पर बना सकता था। खुदबा कासिया में नहजुल बलागा का सबसे मारकतुल आला खुदबा है अमीरुल मोमिनीन का, उसमें तो इमाम ने कहा कि अगर अल्लाह चाहता तो अपना घर इस सहरा में नहीं, बेआबो गया मकाम पर नहीं, चटियल पहाड़ों के दरमियान नहीं, बल्कि बाग और बागात और नहरों के दरमियान बनाता।
मगर अल्लाह ने क्यों उस मकाम पर बनाया कि लोग सहराओं को अबूर करें, चटियल मैदानों से गुजरे, बे आबो गया पहाड़ों के दरमियान तक पहुंचे। तो इमाम इरशाद फरमाते हैं कि इसलिए नहीं बनाया बागों के अंदर नहरों के किनारे पर कि इंसान के इनकिसार और तवाज़ो का इम्तहान ना होता। उस मकाम पर तकलीफ के साथ पहुंचे, आजिजी के साथ पहुंचे, ताकि इंसान के इखलास और तवाज़ो का इम्तहान हो सके। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये तो अखलाकी या साइकोलॉजी के एतबार से, मगर ज्योग्राफी के एतबार से क्या है? किसी ने मासूम से पूछा कि लेमादा सुम्मियतुल मक्कतु मक्कता, अल्लाह ने इस शहर का नाम मक्का क्यों रखा? अल्लाह ने इस शहर का नाम मक्का क्यों रखा? इमाम इरशाद फरमाया ले अन्ना अल्लाह ने मक्के का नाम मक्का इसलिए रखा कि अल्लाह ने इस मकाम से जमीन की तखलीक का आगाज किया। बहुत गौर से सुनिएगा, अजीब गरीब मकाम तक हमें जाना है। ले अन्ना मक्कतल अर्ज़ मिनहा, मक्का के माने है जमीन का बिछाना। इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने इस मकाम से जमीन की तखलीक का आगाज किया, जमीन की तखलीक का आगाज किया। अजीज जाने गिरामी, तस्वुर करें एक जमीन नहीं है वो पॉइंट जहां आज काबा है और ये पूरी जमीन नहीं है, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि उस मकाम से जमीन का आगाज किया। अगर जमीन को हटा दें तो वो स्पेस था, वो सोलर सिस्टम का एक स्पेस था। तो जमीन के ऊपर ये पहला मकाम है एक जहां खुदा की तरफ प्रोजेक्शन खत्म होता है और लामदा का आगाज होता है। उस पॉइंट पर काबे को करार दिया। जाना काबे की हकीकत को, और अजीब गरीब बात की मिर्जा गालिब ने, क्या मुश्की लिबास काबा, मुश्की खुशबू आ रही है लिबास काबा से, मुश्की लिबास काबा अली के पदम से है। इससे पहले कि मैं दूसरा मिसरा पढ़ो उसको सॉल्व कर दो, ये गालिब का कलाम है। एक एक तरफ ज्योग्राफी है, इक्वेटर और ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर के माबेन, खते सरतान और खते उस्तवा के माबेन जमीन अरब है। जमीन अरब का मरकज जमीन हिजाज है, जमीन हिजाज का मरकज जमीन मक्का है, जमीन मक्का का मरकज काबा है, काबे का मरकज वो मकाम है जहां अली की विलादत है। यह है ज्योग्राफी। और दूसरी तरफ हिरन मुश्क मस्क, ये इसके नाफ में जमा हो जाने वाला खून और पसीना है जो खुशबू बनता है, और ये खुशबू इतनी तेज होती है एक हिरन इसको तलाश करने के लिए दायरे में चक्कर काटता है। ये खुशबू कहां से आ रही है कि जबकि खुशबू खुद उसके मरकजे बदन से फूट रही है। गालिब कहते हैं कि अली जौफे जमीन पर, जमीन के नाफे पर पैदा हुए, जमीन के नाफे से एक खुशबू फूटी, उस खुशबू का तलाश करने के लिए मखलूक काबे के मुश्किल लिबास काबा अली के कदम से है, दम से नहीं कदम से है। मुश्किल लिबास काबा अली के कदम से है, ये नाफे या नाफे गिजाल है। दूर पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
तो अजीज़ आने गिरामी,